नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बोकारो में पिछले कई दिनों से झारखंड में भाषा को लेकर उठा बवाल थम गया है और झारखंड सरकार धन्यवाद बोकारो से भोजपुरी मैगी और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में हटा दिया है। इस आंदोलन में शामिल सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन राज्य के अन्य जिलों से भोजपुरी अंगिका और मगही भाषा को अभी भी नहीं हटाया गया है, सिर्फ बोकारो और धनबाद से भी हटाया गया है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि अन्य क्षेत्रों से भी हटाया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। बोकारो धनबाद से भोजपुरी मगही और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा से जो सरकार हटाया है, इसका पूरा श्रेय यहाँ की आम जनता को जाता है, उनके आंदोलन को जाता है। उक्त बातें गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने एक संवाददाता सम्मेलन में आज जो देर में स्थित मकोली में कही। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को जो बोकारो में महर नाले का घेराव करने का जो कार्यक्रम था पार्टी का, उसे फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 7 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, इसमें कई मामले उठाए जाएंगे। भाषा का अतिक्रमण का मामला जो यहाँ समाधान हो गया, लेकिन अभी भी झारखंड के लोग की अस्मिता और पहचान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 7 मार्च को जो विधानसभा का घेराव है, उसमें मुख्य मांग यही रहेगी कि सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित करे। आइए सुनते हैं विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने क्या कहा। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मुनीश कुमार। आंदोलन में शामिल थे उन सभी लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं, सबको बधाई भी देते हैं और इसके साथ ही इसमें राज्य सरकार से और आग्रह रहता है कि सिर्फ बोकारो धनबाद से ही भोजपुरी मगही को हटाया गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी भोजपुरी मगही अंगिका और मैथिली शामिल है, वहाँ पर सरकार संज्ञान में नहीं ली है और सरकार उसको हटाने का काम नहीं किए। तो बोकारो और धनबाद में जिस तरह से मगही और भोजपुरी को हटाया गया है, राज्य के अन्य 22 जिलों में जहाँ भी भोजपुरी मगही अंगिका या मैथिली क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल है, वहाँ भी सरकार इसको हटाने का काम करे, हम लोग मांग करते हैं। तभी जो झारखंड राज्य की जनता की जो इच्छा है, जो भावना है, जो इनकी पहचान है और झारखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ जो भाषा का सवाल है, उसका समाधान तभी हो पाएगा। ये बात सही है कि बोकारो धनबाद में किया सरकार ने और उसका पूरा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है, उनके आंदोलन को जाता है, लेकिन अभी भी सरकार ने ये ठगने का काम किया है। राज्य के 22 जिलों में, अन्य जिलों में अभी भी मगही भोजपुरी मैथिली अंगिका क्षेत्रीय भाषा के सूची में शामिल है, उसको भी सरकार हटाने का काम करे, अन्यथा इस मामले को लेकर हम लोग आगे भी मुखर रहेंगे, अभी भी मुखर हैं, आगे भी मुखर रहेंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 7 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव हम लोगों को करना, ये कार्यक्रम पार्टी का पहले से तय था। दो कार्यक्रम पार्टी का पहले से तय था। एक कार्यक्रम था कि 22 फरवरी को भाषाई अतिक्रमण और कुछ अन्य मामलों, जैसे आबादी के आधार पर झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को आरक्षण, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और जाति जनगणना को लेकर हम लोगों का था कि ये 22 फरवरी को बोकारो जिला समाहरणालय का घेराव करना था। तो चूँकि बोकारो और धनबाद से ये जुड़ा हुआ भाषाई अतिक्रमण का मामला था और सरकार ने इसको वापस ले लिया है, तो फिलहाल जो 22 फरवरी का हम लोगों का बोकारो समाहरणालय का घेराव का कार्यक्रम था, इसको फिलहाल हम लोग स्थगित करते हैं। लेकिन 7 मार्च को पार्टी का निर्णय था कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव का हम लोग को कई मामले थे। एक तो भाषाई अतिक्रमण का मामला था, जिसमें बोकारो धनबाद का मामला तो समाधान हो गया, लेकिन राज्य के अन्य जिलों में अभी भी ये मामला व्याप्त है और अभी भी झारखंड के लोगों के भाषा, संस्कृति और परंपरा के, उनकी अस्मिता और पहचान के साथ अभी भी खिलवाड़ किया गया। तो निश्चित रूप से अन्य जिलों के लिए भी ये लड़ाई अच्छू पार्टी लड़ेगी। इसके साथ ही जो हम लोगों का 7 मार्च का विधानसभा घेराव है, उसका एक मुख्य मकसद है कि सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।